हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पैश क्रिएशंस। मैं हूँ शिल्पी। तो आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग व्लॉग शेयर कर रही हूँ, डिनर बनाने जा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी बथुआ की पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो ये बथुआ मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह वॉश करिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और बस कुकर में मैंने रख के थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करके हम लोग इसको पीस लेते हैं जिससे जो पूड़ियों का टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा आता है। बॉईल करके आप ऐसे भी डाल सकते हैं, बट पीसने से क्या होता है वो एकदम स्मूथ पूड़ियाँ बनती हैं, तो बच्चों को मेरे बहुत पसंद आती हैं। तो जब तक मेरा बथुआ हो रहा है, साइड बाय साइड मैं अपनी सब्ज़ी रेडी कर लेती हूँ। तो बस मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी चिली। ग्रीन चिली है, तो ग्रीन चिली को आप जब ऑयल में फ्राई कर लेते हैं ना तो वो बहुत तेज़ नहीं लगती है। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ज़्यादा ग्रीन चिली ही यूज़ करूँ, रेड चिली नहीं यूज़ करती हूँ, मैं बहुत कम करती हूँ। फिर थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है और हींग डालती हूँ। हींग का मुझे अरोमा बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसमें हींग डाल दी है और ये मैंने कटे हुए टमाटर डाले हैं। टमाटर को डाल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए और इसको गला लीजिए, क्योंकि जब खड़े खड़े टमाटर रहते हैं ना तो वो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं देते हैं। तो बस ये जैसे ही मेरे टमाटर भुन जाएंगे तो आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी। तो मेरे टमाटर भुन रहे हैं। ये देखिए, ये कुल्थी की दाल होती है, ये भी बहुत अच्छी होती है पेट के लिए। तो ये मैं मॉर्निंग में बनाऊँगी, तो मैं साथ में ना इसको भी बीन लूँगी। और ये मैंने ग्रीन रेड चिली डाल दी है और मेरा बथुआ भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, उसमें 2 सीटी आ गई हैं और मेरे इधर टमाटर भी गल करके रेडी हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी अपने बॉयल आलू जो मैंने बॉयल कर लिए थे और उनको पील कर लिया था। और बस आलू डाल करके थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, बिकॉज मेरे को ना ग्रेवी वाले आलू बनाने हैं। तो अभी थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। तो पानी डालने के बाद भी मैं इसको अच्छी तरह से पका लूंगी, बिकॉज पानी का कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो बस जैसे जैसे मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक पानी उसका वो हो रहा है, तब तक ये धनिया है देखिए, कोरिएंडर लीव्स, तो ये मैं धनिया ना जाड़ों में बहुत अच्छा आता है, तो मैं इसको पानी में रखती हूँ जिससे कि ये बिल्कुल फ्रेश बना रहता है बहुत टाइम, 15 दिन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो बस मैंने कट कर लिया है, इधर मेरे आलू भी ऑलमोस्ट डन ही हो रहे हैं। तो बस जब तक मेरे आलू रेडी हो रहे हैं, अब मैं मॉर्निंग की भी साइड बाय साइड तैयारी कर लेती हूँ, बिकॉज़ क्या होता है मॉर्निंग में बहुत जल्दी होती है। किसी दिन मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूँगी, बहुत जल्दी होती है। तो सब मैं रात में ही ना सारी तैयारी करके रख लेती हूँ जिससे कि मुझे मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी काम ना करना पड़े। तो बस ये मैंने दाल साइड बाय साइड, देखिए दाल मैंने मेरी ये बिन गई है अच्छी तरह से। फिर मैं इसमें थोड़ा सा राजमा भी डाल दूंगी और इसको सोक कर दूंगी। एक्चुअली राजमा और ये वाली दाल आप रात भर सोक कर दें, राजमा तो सभी को मालूम है कि सोक करा जाता है, बट ये वाली दाल भी मैं रात में सोक करके रखती हूँ, बिकॉज ठंडक है तो थोड़ा सा ना गलने में टाइम लेती है। तो बस ये मैंने सोक करके रख दी है और इसमें मैंने डाल दिया है ग्रीन कोरिएंडर। और बस ये मेरे आलू डन हो गए हैं, इसको मैं ढक्कन ढक करके रख देती हूँ। और साइड में मैंने ये देखिए अपना बथुआ खोला, ये भी अच्छी तरह से गल गया है और मैंने इसको एक स्ट्रेनर में रख दिया है। स्ट्रेनर में रखने से क्या होता है, इसका सारा पानी निकल जाएगा जिससे कि वो जब मैं पीसूंगी ना तो बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने सरसों का साग बनाया है। सरसों का साग एक्चुअली हम लोग पीसा जो होता है ना वो वाला नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो हम लोग को ऐसे ही अच्छा लगता है। इसको हाथ से मैं तोड़ लेती हूँ। तो बस इसमें सॉल्ट डाल दिया है और मैं रेड चिली डाल दूँगी थोड़ी सी, और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और इसमें मैं देसी घी ज़रूर डालती हूँ, तो देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप देसी घी ज़रूर डालिएगा। तो बस साइड बाई साइड मेरा सरसों का साग फ्राई हो रहा है, तो बहुत स्लो मैंने गैस कर दी है और वो भुन रहा है, उसको मैंने ढक के रख दिया है। और इधर मैं अपना बथुआ को, मेरा बथुआ भी ठंडा हो गया है तो इसको पीस लेती हूँ। तो ये ग्राइंडर में डाल दिया मैंने और थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे कि अच्छे से ये पिस जाए। बस इसको मैंने पीस लिया है और अब मैं इसका आटा मार लूँगी।
तो बथुआ डाल करके आटा मारूंगी। और ये मेरा सरसों का साग भी रेडी हो गया है। तो मैंने ये 2 कटोरी आटा लिया है और इसमें मैं डालूंगी बथुआ जो मैंने पीस करके रखा था, करीब करीब 4-5 चम्मच डाल दूंगी। बथुआ पता है जाड़ों में ज़रूर खाना चाहिए, बहुत गर्म होता है, बहुत फ़ायदा करता है। किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं, बथुआ का रायता बना के भी खा सकते हैं, पूड़ी बना के खा सकते हैं, पराठा बना के खा सकते हैं। और ये मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया और थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, गर्म भी होती है, तो विंटर्स में अजवाइन का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। और बस मैंने जितना मेरे बथुए में पानी था उससे मैंने आटा लगाया, उसके बाद जितना मुझे रिक्वायर्ड हुआ मैंने पानी डाला और मेरा यह आटा रेडी हो गया है। बस जब सब लोग खाएंगे तब मैं पूड़ी बनाऊंगी। कैसा लगा मेरा व्लॉग तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।